लाइट होती है, लाइट होती है वो ब्लिंकिंग करेगी, क्या करेगी, ब्लिंकिंग करेगी। जैसे ही आपने इसको ग्लास को तोड़ दिया और इसको ब्रेक कर दिया तो क्या होगा, अलार्म बजेगा। अलार्म होता है ये देखो, इस टाइप का अलार्म होता है, कहाँ पे होता है, ये स्टेयरकेस पे ज्यादा करके होते हैं, यहाँ पे एक सीटी मैनुअल कॉल पॉइंट बोलते हैं इसको, क्या मैनुअल, जोर से बोलो मैनुअल कॉल पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, मैनुअल कॉल पॉइंट। और ये काउंटर है अलार्म, ये जहाँ जहाँ पे भी रहेगा वो बजेगा, समझ गए। ये बजने के बाद हमको कहाँ पे जाना है, ये बजने के बाद हमको कहाँ जाना है, EMS में हमारा कंट्रोल रूम जहाँ पे है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे हमारा ये क्या है, कंट्रोल पैनल है, मैनुअल कॉल पॉइंट और स्मोक डिटेक्टर का, ये मैनुअल कॉल पॉइंट और स्मोक डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर और मैनुअल कॉल पॉइंट का पैनल है, ये मैनुअल कॉल पॉइंट हुआ हमारा, ये स्मोक डिटेक्टर हुआ, इस दोनों का, ये दोनों अगर एक्टिवेट हुए तो ये एड्रेसेबल पैनल में इसका एड्रेस पता चलेगा, क्या पता चलेगा, इसका एड्रेस पता चलेगा, हम लोग कहाँ पे हैं, हमारे पोर्ट में, हमारे हम लोग गेट पे, ठीक है, अगर फ्लोर पे अगर आग लगती है, धुआं चला जाता है ये स्मोक डिटेक्टर में, तो कोई अलार्म रेस करेगा, ये बजने के बाद, ये एक्टिवेट होने के बाद भी अलार्म बजेगा, ये देखो अलार्म जो है ये बजेगा, काउंटर बजेगा, तो हमको कहाँ पे जाना है, सायरन बजने के बाद हमको EMS में एड्रेसेबल पैनल है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाने के बाद अगर दूसरे माले पे अगर हुआ गया है स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट होगा, तो यहाँ पे एड्रेस पे लिखा है क्या आएगा, स्मोक डिटेक्टर SD आएगा करके शॉर्ट फॉर्म में, और उस जगह का सेकंड फ्लोर SP यानी बी मॉल में अगर आग लगी है, सेकंड फ्लोर में आग लगी है तो वो एड्रेस आ जाएगा, और उसी एड्रेस को लेके हमको वहाँ पे पहुँचना है, क्या लेके पहुँचना है, हमको बाहर तरफ लेके पहुँचना है, पता नहीं है वहाँ पे आग भी लगी होगी और वॉल्स कॉल भी होगा, समझ गए, वहाँ अगर गया है आपको रेडी पोजिशन में आपको जाना होगा, ठीक है, पता चला आपको ये एड्रेसेबल पैनल है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि आग कौन से जगह पे लगी है, इसको हमको पढ़ने के बाद उसको साइलेंट भी कर सकते हैं, यहाँ से ही साइलेंट होता है और यहाँ से रिसेट भी होता है, समझ गए, अगर उसके लिए जहाँ भी ये स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है वहाँ पे जाके पता करना होगा कि ये वहाँ पे आग लगी है या कोई और धुआ गया है, समझ गए, ठीक है, हम लोग वहाँ पे जाने के बाद उसको स्मोक डिटेक्टर को इस तरह से ओपन करेंगे, कैसे, समझ गए, कैसे ओपन करेंगे, और उसको वापस इसके अंदर अगर धुआं गया है तो हम उसको हुक मार के हमको धुआं निकालना है और वापस उसको फिट करना है, देखो ये लग गया, हमको वापस घुमा के हमको फिट करना है, इसको फिट करने के बाद लाइट ब्रिंकिंग होगी या नहीं होगी, ब्रिंकिंग कब होगी, जब हम इस एड्रेसेबल पैनल से, जब हम इस एड्रेसेबल पैनल से इसको रिसेट नहीं मारेंगे तब तक नहीं होगी, समझ गए आप लोग, ये स्मोक डिटेक्टर अगर हमको साफ करना है, इसके अंदर धुआं गया है, तो हम इसको ओपन करेंगे, समझ गए, कैसे ओपन करना है आपको, इस तरह से ओपन करना है, इसको हुक मार के हवा उसका धुआं निकालना है, और उसके बाद में वापस उसको उसी तरह खाचे में बिठा के हमको उसको फिट करना है, समझ गए, फिट करने के बाद ही वो फिट जाएगा, ठीक है, अभी आपको पता चला कि स्मोक डिटेक्टर क्या है और मैनुअल कॉल पॉइंट क्या है, हाँ, अभी हम लोग इसकी जानकारी लेंगे, इसकी फायर हाइड्रेंट, समझ गए, फायर हाइड्रेंट जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने के बाद भी आग अगर नहीं बुझती है, आग अगर नहीं बुझती है तो अभी हमको किससे आग बुझाना है, फायर हाइड्रेंट से आग बुझाना है, देखो इसको क्या बोलते हैं, ये ड्रम है,
क्या है? ड्रम है। ये इसको ज्वाइंट होता है ये होजरीज, क्या होता है ज्वाइंट? ये होजरीज ज्वाइंट होता है। ये ड्रम है, यहाँ पे फायर हाइड्रेंट लाइन में लगा होता है। यहाँ पे लगा होता है फायर हाइड्रेंट लाइन में लगा होता है, ये फायर हाइड्रेंट में लगा होता है, समझ गए? उसके बाद यहाँ पे हमारा मेल कपलिंग यहाँ पे लगेगा, समझ गए? ये कैनवास होज पाइप है, क्या है? कैनवास होज पाइप। अगर हमको होज से छोटी सी आग है, हम लोग को आगे यहाँ से लेके वहाँ तक जाना है, पानी से हम लोग आज बुझाना है, तो हमको इसका इस्तेमाल करेंगे। जल्द से जल्द यहाँ से पाइप लेके उस जगह पे पहुँचने के बाद हम लोग इससे होज से पानी आग से बुझा सकते हैं, समझ गए? इसका प्रेशर एक 50 फुट तक होता है प्रेशर, और इसका प्रेशर हम लोग यहाँ से लेके टेरेस तक, ये कैनवास होज पाइप का प्रेशर यहाँ से लेके 8 गेज का, अगर हम लोग प्रेशर देते तो 8 गेज तक लंबे से हम लोग आग बुझा सकते हैं, समझ गए? तो ये कैनवास होज पाइप है। आप इसके बारे में जानकारी ले लीजिए, ये कौन सा पाइप है? कैनवास होज पाइप है। लेकिन इसके आगे क्या है? इसके आगे क्या है? इसको क्या बोलते हैं? मेल कपलिंग। क्या बोलते हैं इसको? जोर से बोलो, मेल कपलिंग। क्या बोलते हैं इसको? थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या बोलते हैं इसको? मेल कपलिंग। ये मेल कपलिंग कहा जाएगा? यही फायर हाइड्रेंट राइजर के अंदर जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? फीमेल कपलिंग। क्या बोलते हैं इसको? फीमेल कपलिंग। ये फीमेल कपलिंग इसके अंदर जाएगा, समझ गए? और ये ब्रांच पाइप है, ये ब्रांच पाइप इसके अंदर जाएगा, समझ गए? ये ब्रांच पाइप इसके अंदर जाएगा, फीमेल कपलिंग के अंदर जाएगा। ये फीमेल कपलिंग है, ये हमारा मेल कपलिंग है, और ये फीमेल कपलिंग है। इसके अंदर जाने के लिए इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो जाएगा। और इसका अब ये दो कैनवास होज पाइप है, अगर लंबाई और ज़्यादा चाहिए तो हमको इसको अटैच करना है, एक ही कैनवास होज पाइप को दूसरे कैनवास होज पाइप को अटैच करने के लिए हमको मेल कपलिंग और फीमेल कपलिंग इकट्ठा करना है और उसको अटैच करना है। और निकालने के लिए हमको क्या करना है? ये लक्स है, क्या है? लक्स है। लक्स को अपोजिट साइड में अगर हम लोग हमारे तरफ खींचेंगे तो क्या होगा? ये मेल कपलिंग निकालने के लिए निकालने का तरीका है, समझ गए? निकाल सकते, ठीक है? इसके अंदर ही हमारा ये ब्रांच पाइप जाएगा। क्या जाएगा? ब्रांच पाइप जाएगा। देखो आराम से जा सकते, अगर इसका सर्विसिंग बराबर है तो आराम से जाएगा। आराम से इसको लक्स को अपोजिट साइड में, हम लोग कोई मालूम नहीं है तो क्या करता है, ऐसे घुमाते आप निकलने की कोशिश करते। यहाँ पे क्या है? ये मेल कपलिंग है और ये फीमेल कपलिंग है, ब्रांच पाइप है। तो निकालने के लिए हमको ये लक्स है, लक्स एक लॉक के प्रमाण से लॉक होता है, समझ गए? हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, ये लक्स को ओपन करेंगे। देख सकते हैं आप, इसके अंदर वॉइसर है, पानी बाहर नहीं निकालने के लिए इसके अंदर वॉइसर लगा होता है, एकदम आराम से फिट होना चाहिए। और ये लक्स है, क्या है? लक्स है, यानी लॉक की तरह काम करता है। जैसे अंदर ब्रांच पाइप गया तो ये लॉक होगा, लॉक होने के बाद निकलेगा नहीं, जब तक निकलेगा नहीं जब तक हम लोग इसको इस तरह से ओपन नहीं करते तब तक, ठीक है? पता चला हमको किस तरह से ऑपरेट करना है। ये ब्रांच पाइप अपना, ये मेल कपलिंग है, कैनवास होज पाइप, ये हमारा जो स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर होता है वो इसी तरह ही होता है, एक डेमो पीस है, समझ गए? ये स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर है, आप देख सकते हो हर जगह पे लगा होता है। ये वॉल है, इस वॉल को हम लोग ओपन करेंगे, राउंड द क्लॉक जैसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसके अंदर जो प्रेशर होता है, प्रेशर से पानी निकलता है, अगर प्रेशर दिया रहेगा तो पानी निकलेगा। ये लक्स है, देखो ये इस तरह से खींचने के बाद ये लॉक ओपन होता है और इसके अंदर हमारा जो मेल कपलिंग है वो अंदर जाए। अब ये इसके अंदर जाने के बाद हमारा दूसरा पोर्शन क्या होता है? ये फीमेल कपलिंग। ये फीमेल कपलिंग के अंदर क्या होगा? ये ब्रांच पाइप जाएगा। इस तरह से हम लोग डालेंगे तो आराम से लगेगा, समझ गए? इसके अंदर जो
प्रेशर होता है वो 8-10-5 kg तक जा सकता है। जैसे हमारी कैपेसिटी है, हम लोग खड़ा रह के आग बुझा सकते हैं। समझ गए? ठीक है, समझ में आया सबको? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? ब्रांच पाइप। क्या बोलते हैं? ब्रांच पाइप। ये फीमेल कपलिंग को एडेज होगा। किसको एडेज होगा? फीमेल कपलिंग। समझ गए? उसके बाद फिर ये मेल कपलिंग है। ये मेल कपलिंग कहाँ पे एडेज होगा? जहाँ पे स्टैंड बाय फायर हाइड्रोलाइजर, इस तरह से स्टैंड बाय फायर हाइड्रोलाइजर है। समझ गए? उसको ये फीमेल कपलिंग को एडेज होगा। निकालने के लिए आपको ये लक्स को खींचना है। समझ गए? हमारे ऊपर खींचना है, उसके बाद में ये एडेज होगा। ठीक है, सबको समझ में आया? ये फायर हाइड्रेंट के बारे में, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, स्मोक डिटेक्टर के बारे में, मैनुअल कॉल पॉइंट के बारे में, ये होज रील के बारे में, होज रील, ये फायर हाइड्रेंट ड्रम, ड्रम है ये, समझ गए? ड्रम, होज रील, ब्रांच पाइप, मेल कपलिंग, फीमेल कपलिंग, ये वॉल, ये कैनवास होज पाइप, ये होज रील हुआ। समझ गए? ये कैप हो गई इसकी, इसकी डीसी की, फीमेल कपलिंग को जब हमारा ये काम नहीं है, ख़त्म होता है, तो हमको इसको अटैच करना है। समझ गए? और इसको निकालने के लिए वैसे ही लक्स को ओपन करना है। क्या इसका है, क्या है ये? फीमेल कपलिंग को क्लोज करने के लिए। समझ गए? इसके लिए कैप लगाया गया है। ठीक है, इसके बारे में जान गए आप लोग? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? स्मोक डिटेक्टर। और इसके अंदर क्या है? ये फायर फ्यूचर कौन सा है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या है इसके अंदर? इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए। समझ गए? और ये कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है? ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। कौन सा टाइप है? टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। समझ गए आप लोग? कौन सा टाइप है ये? ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। कैसे इस्तेमाल करना है, मेथड क्या है? अभी ये देखिए, यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है, ABC टाइप लिखा है, 5 kg का फायर एक्सटिंग्विशर। कौन सा है? 5 kg। ये इसका रिफिलिंग तभी किया, देखिए किया 20-8-2017 को रिफिलिंग किया है, और ख़त्म कब हुआ है? 81-19-8-18। समझ गए? 8-18 हुआ, ख़त्म हुआ है, ख़त्म हुआ है। तो हम लोग इसको वापस रिफिलिंग करना है। समझ गए? आज हम लोग इसके इसका हम लोग डेमो दिखाएंगे आपको। क्या करेंगे? डेमो दिखाएंगे। समझ गए? अभी हमको यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करेंगे? यहाँ पे आग लगी है, क्या करेंगे इसको? बास का मेथड यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? बास का मेथड यूज़ करेंगे। पहला अक्षर क्या है? अल्फाबेट सी फॉर। पहले हमको सील तोड़ना, देख लीजिए सेफ्टी के लिए, ये पिन को सील लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? पुल द पिन। सब लोग जो बोल, जोर से बोलो, पुल द पिन, पुल द पिन। इस बार में आग कहाँ पे लगी है? उस जगह पे आपको निशाना लगाना है। समझ गए? कैसे निशाना लगाना है? एम द बेस ऑफ फायर। समझ गए? उसके बाद में एस फोर स्क्वीज द लीवर। देखिए ये लीवर है, इसको स्क्वीज करना है, और फिर साइड बाय साइड जहाँ पे आग लगी है उसको हमको इसके बेस पे मारना है। समझ गए? और स्वीप साइड बाय साइड, इस तरह से साइड बाय साइड स्वीप करना है। क्या करना है? साइड बाय साइड स्वीप करना है। देखिए, देखा आपने? सब लोगों ने देखा किस तरह से यूज करना है? ओके, समझ गए? ज़्यादा करके हमको फायर एक्सटिंग्विशर में रिफिलिंग देखना है। रिफिलिंग डेट एक्सपायरी अगर हुआ है तो उसको वापस रिफिलिंग